ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज कोरल ड्रॉ के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं शेपिंग ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ वेल्ड, ट्रिम, कंबाइन, इंटरसेक्ट और साथ ही साथ आप लोगों के लिए इसमें एक चैलेंज भी है। चैलेंज ये है कि आपको कोई कोट उठाना है और उसके बेस पे विजुअल स्टोरी क्रिएट करनी है और क्रिएट करने के बाद वो मुझे आपको मेरे इंस्टाग्राम पर टैग करनी है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था दो तरह के डिज़ाइनर्स होते हैं, एक जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को अच्छा दिखाना जानते हैं, मीनिंगलेस डिज़ाइंस को बढ़िया और पॉलिश करके प्रेजेंट करना जानते हैं, और आज मैं आपको मिलवाऊंगा दूसरे टाइप के डिज़ाइनर से जो विजुअली कोई ना कोई मैसेज देते हैं और हर एक चीज़ अपने डिज़ाइन में कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही ऐड करते हैं। मैंने जो कोट यहाँ पर चूज़ किया है वो है एट द एंड ऑफ पेन इज सक्सेस। अब मुझे इसको विजुअली कन्वे करना है, एक स्टोरी मुझे मेरे ग्राफिक के थ्रू व्यूअर तक पहुंचानी है। इसे अब मैं ऑनमार्क मीडिया में सिखाए जाने वाले आइडिया जनरेशन कोर्स के कुछ टेक्निक्स में से एक टेक्निक यूज़ करके यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकालूंगा। इस कोट में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड, पेन एंड सक्सेस। आइडिया जनरेशन के सेशन में आपने ये चीज़ सीखी है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। दर्द यानी कि पेन है, और पेन कितने तरह के होते हैं। पेन होता है मेंटल और फिजिकल। मेंटल पेन पूरी तरह से इमोशंस और भावनाओं से जुड़ा होता है, वो ऐसी कुछ खास इंटेंजिबल सिचुएशंस में होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेकअप। ब्रेकअप एक बहुत ही भावनात्मक चीज़ है। आप किसी से अगर जुड़े रहते हैं और अचानक आप उससे दूर चले जाते हो तो वो एक मेंटल स्ट्रेस या फिर पेन जो हम लोग फील करते हैं वो पूरी तरह से मेंटली है और वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन मेंटल पेन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, बिकॉज मैसेज जो है वो पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोग ये मेंटल वाली चीज़ यहाँ पर क्विट करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल पेन। शरीर को कुछ होने की वजह से होता है और ये जो सजीव होते हैं उन्हें ही ये होता है, निर्जीव चीज़ों को नहीं होता। फॉर एग्जांपल पत्थरों को पेन नहीं होता। ओके, तो ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। थोड़ा और गहराई में जाते हैं और जान लेते हैं कि दर्द के प्रकार कितने हैं। देखिए, दर्द कब होता है, या तो शरीर को मार लगने से दर्द होता है, या फिर कुछ कटने से दर्द होता है, जलने से दर्द होता है, या फिर कुछ चुभने से दर्द होता है। तो ये कुछ बेसिक से प्रकार है जो शरीर को होने के बाद हमें पेन होता है। अब जो कि मैसेज पॉजिटिव है तो इसमें कहीं पर भी वॉयलेंस नज़र नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्लड वगैरह यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, बिकॉज मैसेज जो है वो कम्प्लीटली अलग कंसेप्ट है, और अगर हम लोग इस मैसेज में ब्लड वगैरह दिखाएंगे तो वो कुछ मज़ा नहीं आएगा, ग्राफिक जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, अब लॉजिकली सोचिए, पेन ख़त्म कब होता है, जब हम उस पर इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद धीरे धीरे पेन जो है वो ख़त्म होता है, यानी कि रिलीफ मिलता है, हमें आराम मिलता है। तो यहाँ पर इस कोट में सक्सेस जो है वो आराम का काम करेगा, तो इसलिए मैं सक्सेस इस वर्ड को यहाँ पर इलाज के तौर पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी स्टोरी क्रिएट कर दी है इस कोट के माध्यम से कि अगर सक्सेस यानी कि रिलीफ हासिल करना है तो बहुत पेन सहन करना पड़ेगा, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप वो पेन सहन करते करते मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आखिर में आपको रिलीफ यानी कि सक्सेस मिल ही जाता है। तो अब मैं इस छोटी सी स्टोरी को विजुअली कन्वे करने की कोशिश करूँगा। मेरी एक ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट है सुप्रिया, उसके आर्टवर्क से मैं एक बार बहुत इम्प्रेस हुआ था, बहुत ही इंस्पायर हुआ था। उसने एक चाकू पर एक स्नेल को दिखाया था, तो उस चीज़ से इंस्पायर होकर मैं कुछ स्केचेस यहाँ पर फटाफट बना लेता हूँ एंड देन डिज़ाइन बनाने के लिए शुरू करता हूँ, और कोरल के कुछ टूल्स हैं इम्पोर्टेंट, वो आपको साइड बाय साइड सिखाता रहूँगा। देखिए गाइस, कोई भी ग्राफिक बिना प्लानिंग के नहीं बनता, बिना स्केचेस के नहीं बनता। जो लोग आपको डायरेक्टली कहते हैं कि कंप्यूटर पर बैठो और डिज़ाइन रिसोर्सेस यूज़ करके टाइम बचाओ और ये करो वो करो, वो सब लोग सिंपल और बेसिक डिज़ाइनर्स हैं। असली डिज़ाइनर्स कभी भी डायरेक्टली पीसी पर काम करना शुरू नहीं करते, वो पहले प्लान करते हैं देन वो डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ये बात सही नहीं लग रही होगी कि क्या ज़रूरत है स्केचिंग करना वगैरह, लेकिन एक्चुअल आर्ट ऐसी ही होती है, पहले स्केचिंग देन उसका आउटपुट। अगर आप में से कुछ लोगों को अगर अभी भी ये चीज़ मंजूर नहीं है तो एक काम कीजिए, आप बिना कहीं पर देखे
कोई चीज़ आप डिज़ाइन कीजिए बिना किसी रेडीमेड रिसोर्स को यूज़ करें और वो मुझे आप टैग कर दीजिए। तो गाइज मेरे स्केचेस रेडी हो चुके हैं और मैं अब डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। मैसेज क्लियर है, कंसेप्ट मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, अब मैं सिर्फ उसे डिजिटल करूँगा बिकॉज सॉफ्टवेयर सिर्फ हमें हेल्प करता है हमारे माइंड में जो भी आइडिया है उसे डिजिटलाइज करने में। सॉफ्टवेयर एक रोबोट है, आप जो बोलते हैं वो सिर्फ करता है। आइडियाज़ आपके माइंड में आने चाहिए, सॉफ्टवेयर में नहीं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं एक स्नेल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए इलस्ट्रेटर में शेप बिल्डर टूल है लेकिन कोरल में आपको वेल्डिंग, ट्रिमिंग या फिर इंटरसेक्ट ये सारी चीज़ें करके ही शेप्स को बिल्ड करना होता है। तो मान लीजिए मुझे ये जो सर्कल है उसे यहाँ से कट करना है इस तरह से। तो मैं एक इस तरह से रेक्टेंगल लेता हूँ, कलर्स दे देता हूँ मैंने और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, या फिर आप शिफ्ट प्रेस करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है वेल्ड। वेल्ड का मतलब क्या है? देखिए हम लोग बाहर वेल्डिंग देखते हैं, लोहा अगर कनेक्ट करना हो तो वो लोग लोहे से लोहा जोड़ते हैं और उसमें वेल्डिंग कर देते हैं, वही वेल्डिंग यहाँ पर है। अगर आप वेल्ड पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स एक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फंडा ऐसा है कि जो चीज़ आप लास्ट में सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल रेड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके ब्लू किया, तो ब्लू मैंने लास्ट में सेलेक्ट किया और अगर मैंने वेल्ड कर दिया तो ऑब्जेक्ट में ब्लू कलर चला जाता है, ये एक पूरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसी के ठीक उल्टा अगर मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ देन अगर मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ और वेल्ड करता हूँ तो रेड कलर आ जाएगा। उसके बाद है कंबाइन, इसे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या होता है, जहाँ पर आपका जो रेक्टेंगल है वो सर्कल पर जो ओवरलैप हो रहा था उतना हिस्सा कट गया, अब ये हिस्सा जो है ये ट्रांसपेरेंट है। अब ट्रांसपेरेंट है ये कैसे पता चले, तो देखिए यहाँ पर मैं एक ब्लैक बॉक्स ऐड कर देता हूँ और इसे देखिए मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, ये दिख रहा है, इट मीन्स ये ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद है ट्रिम। देखिए यहाँ पर सारा डेफिनेशन दिया हुआ है, कट आउट अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पर ओवरलैप किया है, सेलेक्ट किया और कर दिया ट्रिम, तो देखिए क्या हुआ, ये कट गया। तो यहाँ पर मुझे स्नेल बनाने के लिए, स्नेल का शेल बनाने के लिए इतना ही हिस्सा चाहिए था इसलिए मैंने इसको ट्रिम कर दिया। उसी की तरह यहाँ पर और भी ऑप्शंस है जैसे कि इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या होता है, आपने ब्लू वाला रेड पे ओवरलैप किया था, अब उसे इंटरसेक्ट करने के बाद बाजू में कर दीजिए। यहाँ पर जितना हिस्सा ओवरलैप था उसका एक अलग ऑब्जेक्ट या फिर पैच बन जाएगा। उसके बाद है सिंप्लीफाई। मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और ये यहाँ रख देता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने और कर दिया सिंप्लीफाई। देखिए क्या हुआ, ब्लू वाला सबसे आगे था तो उसने इस शेप को और सर्कल को कट कर दिया, ये वाला शेप सर्कल के आगे था इसलिए उसने यहां से कट कर दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगी। बिंदास खेल कर देखिए क्या होता है चीजों के साथ, फ्रंट माइनस बैक क्या है, ये क्या है, सब आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। फ्रंट माइनस बैक लिखा हुआ है इसका मतलब ऑरेंज अगर आगे है और ब्लू बैक में है, और मैं अगर करता हूँ फ्रंट माइनस बैक तो देखिए पीछे वाला हट गया सामने वाला रह गया, लेकिन जाते जाते जितना भी एरिया ओवरलैप हो रहा था वो कट गया। उसी तरह से बैक, सिंपल। अब आपने मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर एक जगह ला कर कोई शेप क्रिएट किया है और उसको आपको कंबाइंड आउटलाइन देनी है, तो ज़रूरत नहीं है कि उसको पहले वेल्ड करो फिर बाद में उसको आउटलाइन दो इस तरह से, ठीक है। आपको सिंपली सेलेक्ट करना है सब कुछ और यहाँ पे क्लिक कर देना है जो है बाउंड्री, ये सिर्फ आपको बाउंड्री क्रिएट करके दे देगा, सिंपल। प्रैक्टिस कीजिए इन सारे टूल्स की। मैं फटाफट अब शेप्स क्रिएट करने में लग जाता हूँ। यहाँ पर लिया मैंने, इसको कर दिया ट्रिम। अब मैं और एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर लूँगा लाइक दिस और एक इस तरह से शेप लूँगा, कर दिया मैंने वेल्ड, डबल क्लिक करो, शेप बिल्डर में जाओ और एक बार डबल क्लिक करो, आपको हैंडल्स मिल जाएंगे। हैंडल्स की वजह से आप जो है वो आपकी शेप को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। किसी भी शेप को अगर आपको मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल आपको इस सर्कल को मॉडिफाई करना है
तो आप शेप टूल से डायरेक्टली इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। पिछली बार मैंने बताया था, राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू कर्व्स करो, देन आप डबल क्लिक करके एक नोड वहां पर ऐड कर सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं। ये है हैंडल्स जो उस नोड को एडजस्ट करने में वगैरह आपकी हेल्प करते हैं। तो उन्हीं की हेल्प से मैं यहाँ पर एक शेप बिल्ड कर रहा हूँ। मैं जस्ट बेसिक शेप्स बनाने वाला हूँ। देखिए, हमारा फोकस जो है वो स्टोरी हमें कन्वे करनी है, और स्टोरी के लिए डिटेलिंग होना ज़रूरी है, बट कभी कभार मिनिमम एलिमेंट्स यूज़ करके मैक्सिमम मैसेज दिया जा सकता है। वही मैं इस चैप्टर में आपको समझाने वाला हूँ, कम से कम एलिमेंट्स, सिंपल एलिमेंट्स लेकिन मैसेज के साथ। ये हो गई मेरी स्नेल। अब मैंने जो स्केच बनाया था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक ब्लेड सोची थी। ब्लेड और ज़्यादा शार्प होती है चाकू से, इसलिए मैंने ब्लेड सोची। अब मुझे यहाँ पर एक ब्लेड ड्रॉ करनी है। अब देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन लॉजिक और क्रिएटिविटी का खेल है। आपको ये ब्लेड जो है वो पूरी तरह से ट्रेस करते नहीं बैठना है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। कैसे? देखिए, मैं यहाँ पर बेजियर टूल ले लेता हूँ, क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके मैं शुरू करता हूँ यहाँ तक, दूसरा क्लिक यहाँ पर, तीसरा क्लिक यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, सातवा, आठवा और यहाँ तक आके नौवा, यहाँ पे आता हूँ और कनेक्ट कर देता हूँ। इतना शेप मैंने इस ब्लेड का बना लिया। इसे ट्रेसिंग ही कहा जाता है। देखिए, ब्लेड जो है वो सारी जगहों पर कॉमन होती है, लेकिन हम लोग एक बस उसका शेप नेचुरल दिख सके इसलिए यहाँ पर ट्रेस कर रहे हैं। अब देखिए, डबल क्लिक करके मैं इस तरह से यहाँ तक ले लेता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके कहता हूँ कर्व, और यहाँ का जो नोड है उसे उड़ा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कर्व आ गया। उसी तरह से यहाँ पर भी राइट क्लिक करके मैं कर्व करता हूँ और ये उड़ा देता हूँ, और थोड़ा इसे मैनेज कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर कर्व नज़र आए। देन सेम यहाँ पर भी राइट क्लिक कर्व उड़ा दिया, तो ये ब्लेड का एक साइड बन गया। अब दिमाग लगाओ, इसी की कॉपी निकालो और यहाँ से फ्लिप कर दो मिरर हॉरिजॉन्टली, और इस तरह से दोनों को वेल्ड कर दो। इसी की एक कॉपी निकालो, फ्लिप करो वर्टिकली और अगेन वेल्ड कर दो। अब रहा सेंटर का पार्ट, सेंटर तो सिंपल है, जाइए एक सर्कल ले लीजिए इस तरह से, एक बड़ा सा रेक्टेंगल यहाँ तक, उसको अलाइन कर दीजिए। पिछले एपिसोड में मैंने अलाइनमेंट सिखाई है। इसी सर्कल की यहाँ पे कॉपी इस तरह से, इसी की कॉपी यहाँ पर, देखिए दोनों साइड्स बन गए। थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ। हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि ये ब्लेड है, ज़रूरी नहीं कि सारे डिटेल्स एज इट इज़ ही हो। ग्रुप करके कंट्रोल जी करके मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। ओके, अब मुझे एक ये वाला शेप ड्रॉ करना है, सिंपल है। एक स्क्वायर ले लीजिए, रोटेट कर दीजिए, यहाँ पर जाकर कर्व्स बना दीजिए इस तरह से। ध्यान रखिए लॉक रहे, लॉक अगर नहीं रहेगा तो एक ही साइड उसकी ये हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, और ये यहाँ पर लाकर रख दीजिए, और इसी की कॉपी यहाँ पर अलाइन कर दिया। अब देखिए, हमारे पास दो यहाँ पर पैचेस है, वाइट वाला पैच जो उसके अंदर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जैसे ब्लेड का होता है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, फिर बाद में यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके और कर देंगे ट्रिम। ट्रिम करने के बाद अंदर का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, देखिए सेम जैसे कि ब्लेड में होता है, इधर मेटल होता है, सेंटर में पूरा गैप होता है, वही। नाउ ब्लेड का काम हो गया। अब मैंने देखिए ब्लेड का यहाँ पर इमेज लिया था, ब्लेड एज इट इज़ नहीं बनाई मैंने, डायरेक्टली उठाई नहीं मैंने, जस्ट उसका शेप, बेसिक शेप जो होता है स्ट्रक्चर, ताकि वो ब्लेड है ऐसा समझ में आए, उतना ही मैंने यहाँ पर लिया। बाकी सब कुछ मैंने ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर फटाफट बना लिया, कोई टेंशन नहीं। इसे हटा देते हैं। अब मैं एरिक थॉमस जी का वो कोट यहाँ पर लिख लेता हूँ,
एट द एंड ऑफ पेन इज सक्सेस, और इसे मैं कहीं साइड में रख देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर और एक एलिमेंट लगेगा जो कि है पत्ते। उसके लिए मैं यहाँ पर कोरल का पेन टूल यूज़ करूँगा। कोरल का पेन टूल बिल्कुल सिमिलर है इलस्ट्रेटर के पेन टूल से। पेन टूल बहुत ही सिंपल है, क्लिक करिए एक नोड ऐड हो जाता है, देन दूसरा क्लिक जब आप करते हैं तो एक लाइन क्रिएट हो जाती है, और बिना क्लिक छोड़े अगर आप उसे इस तरह से ड्रैग करते हैं तो एक कर्व तैयार हो जाता है। वैसे अगर आपको पेन टूल डिटेल में सीखना है तो मैंने ऑलरेडी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का पेन टूल सिखा कर रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिए, सेम पेन टूल यहाँ पर काम करता है। अब मैंने जो स्टोरी सोची है उसमें मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ये ब्लेड पे से ये स्नेल चल रही है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट उसको उसकी मंजिल तक पहुंचना है, उसे सक्सेस होना है, और उसकी मंजिल जो है वो ये है। इसीलिए अब मैं इस ब्लेड को यहाँ रख रहा हूँ, स्केचेस के अनुसार इसे छोटा कर देता हूँ। ब्लेड को मैं इस तरह से रख रहा हूँ ताकि ये जो चढ़ाव है वो और विजुअली टेंशन क्रिएट कर सके, देखने वाले को और ज़्यादा टेंशन आएगा कि यार इतना चढ़ाव है कैसे चढ़ेगी स्नेल इस टाइप का। ये है स्नेल, इसे मैं रोटेट करता हूँ, रखता हूँ यहाँ पर। आउच, सिर्फ सोच कर देखिए अगर आप स्नेल होते तो आपको कितना भयंकर दर्द होता है एक ब्लेड पे से चलने के लिए, सोचिए बस। और ग्राफिक इमोशंस पे ही चलता है, ग्राफिक में इमोशंस नहीं तो वो ग्राफिक ही नहीं। बेसलेस मीनिंगलेस डिज़ाइन नहीं बनाना कभी भी दोस्तों, ग्राफिक देखकर ही समझ में आना चाहिए मैसेज क्या है, कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए ये स्टोरी बना रहा हूँ, इसको अगर रिफाइन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जितना टाइम आपके ग्राफिक को देते हैं वो उतना ही प्रोफेशनल लगता जाता है, मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ। लेकिन अब आप यहाँ पर एक स्टोरी बहुत ही क्लियर है, मैं इसका रिफाइन करने के बाद वाला वर्जन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लेकिन स्टोरी मेरी फाइनल हो चुकी है। तो ये रही मेरी ब्लैक एंड वाइट स्टोरी इस कोट के बेस पर, एट द एंड ऑफ पेन इज सक्सेस। इस स्नेल को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इतने मतलब शार्प ब्लेड पे से चढ़ने की, और फिर जब वो पूरे एंड में चढ़ेगी उसको एक पत्ता मिल जाएगा जहाँ से उसका जो जहाँ से उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, लाइक वो सक्सेस हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक बेसिक सी स्टोरी बनाई है आपको समझाने के लिए। अब आपका काम है कि आप कोई कोट चूज करो और उसके बेस पर विजुअल कोई स्टोरी बनाओ और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो और असली डिज़ाइनर बनो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।